तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि शंख को सही विधि क्या है स्थापित करने की, कैसे हम सही तरीके से इसे स्थापित करें कि हमें विशेष कृपा मिले। पंडित जी देखो ऐसा है, पहली बात तो शंख को अपने घर में शुभ मुहूर्त में लाना चाहिए। भरणी भद्रा जब ना हो तब मतलब कि घर में शंख लाना चाहिए। शंख की एक पहचान है, शंख को अगर आप अपने दाहिने कान के पास ऐसे करेंगे तो उसमें से टू 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 की आवाज़ आएगी, अगर वो ओरिजिनल शंख होगा। ओरिजिनल शंख नहीं होगा तो कोई आवाज़ नहीं आएगी। तो शंख जो है ये देव प्रतीक है, इसलिए शंख का गंगा जल, दूध, घी, शहद, गुड़ और पंचद्रव्य से अभिषेक करना चाहिए। शंख को दीपावली, होली, नवरात्रि, रामनवमी, गुरु पुष्य योग या शुक्रवार को घर में स्थापित करना चाहिए। शंख को लाल रंग के रेशमी कपड़े पर स्थापित करके इसको धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। इससे असाध्य रोग दूर हो जाते हैं, दुख और दरिद्रता दूर होती है और वास्तु दोष समाप्त होता है। घर में दो शंख एक जैसे नहीं रखने चाहिए। एक बजने वाला शंख, एक दक्षिणावर्ती शंख आप रख सकते हैं, एक मोती शंख भी आप रख सकते हैं, लेकिन दो बजने वाले शंख या दो दक्षिणावर्ती शंख ऐसे नहीं रखना चाहिए। इससे जीवन में मुश्किलें बढ़ती हैं और घर में अशांति फैलती है। लेकिन किसी खास मनोकामना के लिए घर में नर और मादा शंख का जोड़ा रखकर पूजा करनी चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी।